कक्षा 11 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। हम कल पढ़ रहे थे भारतेंदु हरिश्चंद्री के द्वारा लिखे गए निबंध भारत वर्ष उन्नति कैसे हो सकती है। लेखक ने बताया कि सभी प्रकार की उन्नतियों का मूल क्या है, धर्म। और हमारे यहाँ धर्म को इस तरह से समाज नीति से जोड़ दिया गया है ताकि हम एक दूसरे से उन्हें अलग न कर सकें, लेकिन हमें उसके पीछे उद्देश्य को समझना होगा। लेखक क्या कहते हैं, यह सब तो समाज धर्म है जो देश काल के अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं। दूसरी खराबी यह हुई कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने बाप दादाओं का मतलब न समझकर बहुत से नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों में धर दिए। लेखक क्या कहते हैं, जो हमारा विकास नहीं हो पा रहा है उसके पीछे कारण यह है कि जो हमारे यहाँ समाज धर्म बनाया गया है उस समाज धर्म के पीछे क्या उद्देश्य है, इसे हमारे महात्मा और ऋषियों के आने वाली वंशजों ने नहीं समझा। यह जो समाज धर्म है समय काल के अनुसार इसमें परिवर्तन होना चाहिए, उनमें शोध किया जा सकता है, उन्हें बदला जा सकता है। बस सभी तिथि व्रत और सभी स्थान तीर्थ हो गए, सो इन बातों को अब एक बेर आँख खोल कर देख और समझ लीजिए कि फलानी बात उन बुद्धिमान ऋषियों ने क्यों बनाई और उनमें जो देश और काल के अनुकूल और उपकारी हो उनको ग्रहण कीजिए। लेखक क्या कहते हैं, आज के समय में आवश्यकता इस बात की है कि हम इस पे विचार करें कि जो हमारी ऋषि मुनियों ने जो समाज धर्म बनाया है जिसका पालन हमारे लिए करना आवश्यक है, उसके पीछे के उद्देश्य को, उसके पीछे की मूल धारणा को हम समझें। और जो चीज़ हमारे लिए आज के समय में अनुकूल नहीं है, हमारे लिए उपकारी नहीं है, ऐसी चीज़ों को हमें बदल देना चाहिए। जैसे पहले के समय में जहाज़ का सफ़र, विधवा विवाह आदि को अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन आज के समय में इसमें हमें सुधार की ज़रूरत है। हमें जहाज़ का सफ़र करना होगा तभी हम एक देश से दूसरे देश में जा सकेंगे और दूसरे देश की अच्छाइयों को सीख सकेंगे। लेखक क्या कहते हैं कि हमें लड़कियों को भी शिक्षा देनी चाहिए। बचपन में जो विवाह की प्रथा है उसे हमें बदल देना चाहिए। लड़कियों में यह भावना लानी चाहिए, ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे वह आगे जा कर के अपने घर परिवार को अच्छी तरह से समझ सकें। और लड़कों को भी ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जो शिक्षा व्यवहारिक हो, जो उनके लिए हितकर हो। किसी धर्म के आधार पर हमें आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। हिंदू, जैन, मुसलमान सबको हमें आपस में मिल करके, आपस के झगड़ों को छोड़ करके, न कोई ऊंचा है न कोई नीचा है, कोई जाति के आधार पे हमें किसी को तिरस्कृत नहीं करना चाहिए। और लेखक क्या कहते हैं, अपने लड़कों को अच्छी से अच्छी तालीम दो। तालीम मतलब शिक्षा। पेंशन और वजीफा या नौकरी का भरोसा छोड़ो, लड़कों को रोज़गार सिखलाओ। जैसा कि आज के समय में भी आप देख रहे हैं किस कोरोना महामारी के संक्रमण के कारण बहुत से लोगों की नौकरी छूट गई, तो वह क्या करेंगे, बेरोज़गार हो जाएंगे और वह गलत रास्ते पर जाएंगे। लेकिन यदि उनके अंदर हुनर है, उनके अंदर अपना रोज़गार चलाने की क्षमता है, अपना रोज़गार करने की क्षमता है, तो वह कभी भी भूखे नहीं रह सकते। वही बात यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि पेंशन, वजीफा या नौकरी के भरोसे हमें नहीं रहना है। पेंशन आप जानते हैं नौकरी करने के बाद जो सरकार के द्वारा दिया जाता है, वजीफा जिसे हम छात्रवृत्ति कहते हैं, आप छात्र के लिए जो वृत्ति मिलती है, जो धन मिलता है छात्र के खर्च के लिए, और जो नौकरी, शिक्षा का केवल उद्देश्य नौकरी नहीं होना चाहिए। क्या कहते हैं कि अपने यहाँ के लोगों को विलायत भेजो, दूसरे देशों में भेजो, वहाँ से जा कर के वह कुछ सीखें, उनके अंदर छोटेपन से ही मेहनत करने की आदत डालो। जो बंगाली, मराठा, पंजाबी, मद्रासी, वैदिक, जैन, ब्राह्मण, मुसलमान, यह सब जो हम बटे हुए हैं, यह सब आपस में एक दूसरे के हाथ को पकड़ें और जिसके अंदर जो क्षमता है, जो योग्यता है, उसके अनुसार कार्य करें। और इस तरह से हमारे देश में कारीगरी बढ़ेगी और हमारे देश का पैसा हमारे देश में ही रहेगा। आप जानते हैं यह उस समय का निबंध है जब हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था। उस समय क्या होता था, बहुत सी हमारी ज़रूरत की चीज़ें इंग्लैंड से आती थीं और हमारे यहाँ का सारा माल इंग्लैंड चला जाता था। इस तरह से हमारे देश का पैसा हमारे देश में नहीं रुक पाता था। और धीरे धीरे वही आगे लेकर बता भी रहे हैं कि दिया सलाई जैसी तुच्छ वस्तु भी वहीं से आती है।
और आस आवश्यकता इस बात की है कि हम हर चीज़ को अपने यहाँ उत्पन्न करने का प्रयास करें। क्या कहते हैं, जरा अपने ही को देखो, तुम जिस मार्किन की धोती पहने हो वह अमेरिका की बनी है। जिस लंकलाट लंकलाट एक कपड़ा होता है का तुम्हारा अंगा है वह इंग्लैंड का है। फ्रांसीस की बनी कंघी से तुम सिर झाड़ते हो, जर्मनी की बनी चर्बी की बत्ती तुम्हारे सामने जल रही है। यह जो हमारी ज़रूरत की छोटी छोटी वस्तुएं हैं वह भी उस समय दूसरे देशों से मंगाई जाती थी। यह तो वही मसल हुई कि बेफिक्रे मंगनी का कपड़ा पहनकर किसी महफिल में गए, कपड़े को पहचान कर एक ने कहा, अजी अंगा तो फलाने का है, अंगा मतलब ऊपर जो कुर्ता पहनते हैं। दूसरा बोला, अजी टोपी फलाने की है, तो हंस कर जवाब दिया, घर की तो मूछे ही मूछे। वही लेखक यहाँ बता रहे हैं कि हमें हर चीज़ का अपने यहाँ उत्पादन करना होगा और वह हमारे लिए एक सम्मान की बात होगी। नहीं तो यही होगा कि हम सभी चीज़ों को दूसरों के देशों से मंगा करके प्रयोग करते रहेंगे और हमारा पैसा हमारे देश में नहीं रहेगा। हाय अफसोस, तुम ऐसे हो गए कि निज की काम की वस्तु भी नहीं बना सकते। लेखक क्या कहते हैं, जो निज की काम की वस्तु है, अपने उपयोग की वस्तु है, उसे तुम्हें बनाना होगा। यदि नहीं बना पाते हो तो यह बहुत चिंता की बात है। परदेशी वस्तुएं और परदेशी भाषा पे हमें भरोसा नहीं रखना चाहिए। क्या लेखक ने कहा है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नत को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न को सूल। अपनी भाषा की उन्नति के द्वारा ही हम हर प्रकार की उन्नति कर सकते हैं। इस तरह से आपका पाठ यहाँ पर समाप्त हुआ। धन्यवाद। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखा गया निबंध है, जिसे वह बलिया के ददरी मेले में भाषण देने के लिए लिखे थे।